रहमतुल्लाह बरकातहू। आज 16 मार्च 2024 बरोज शनिचर रमजानुल मुबारक का बहुत ही पाक और मुबारक दिन गुजर रहा है। कहते हैं कि बेटियां रहमत होती है, बेटियां बरकत होती है, बेटियां घर की रौनक होती है, बेटियां खुशी होती है, बेटियां उम्मीद होती है, बेटियां जिंदगी होती है। तो वहीं पर बेटे माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, माँ बाप के जीने की आस होते हैं, वही बेटे माँ बाप का हौसला होते हैं, माँ बाप की उमंग होते हैं, माँ बाप की जिंदगी होते हैं। बेटों से ही माँ बाप की बुजुर्गियत और बुढ़ापे में इनकी देखभाल और इनका सब कुछ जिंदगी की आखिरी सांस तक बेटे ही होते हैं। मगर कभी कभी दिल दहलाने वाले वाकयात हमारे में पेश आते हैं जो इंतहाई गलीस और इंसानियत से गिर कर माँ बाप के साथ इस तरीके से जुल्म और सितम जो बेटे करते हैं। ये चुनंदा इबलीस नुमा बेटे ऐसे माँ बाप को सड़कों पर लावारिस छोड़ देते हैं और फिर ये बेचारे माँ बाप जो उनकी जवानी में उनके बच्चों की परवरिश के लिए मेहनत मुशक्कत दिन रात जाग कर काम करके अपने बच्चों को आला तालीम के लिए उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशिश करते हैं, खून पसीना बहाकर उनकी जिंदगी संवारते हैं, वही बेटे इनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम में इनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। ये जो मंजर आप देख रहे हो, ये हमारे सामने ये जो बुजुर्ग आपको नजर आ रहे, इनके भी तीन बेटे हैं। इन्होंने भी अपने तीनों बेटों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी हर चाहत के लिए, उनके बचपन से लेकर जवान करने तक, परवरिश करने से लेकर उनको आला तालीम दिलाने तक इन्होंने मेहनत की, जिद्दोजहद की, कोशिश की और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की जो कोशिश की। मगर इन्हें क्या पता था कि वो इंसान नहीं हैवान बन जाएंगे। जब इनका बुरा वक्त आएगा, बुजुर्ग होंगे, जब ये बुढ़ापे में इनको उन बेटों की जरूरत होगी तो वो इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। यही काम उन बेटों ने किया। उन्होंने इबलीस की जो हरकत की, इंतहाई गलीस और इंतहाई घटिया हरकत की, इनका अपना खुद का मनमाड़ में इनके अबाई गांव के अंदर इनका खुद का अपना घर था, उन तीनों बेटों ने वालिद को मिसगाइड किया और कहा कि हम ये घर बेचकर मालेगांव शहर में एक अच्छा घर लेंगे, आपके लिए अलग से रूम, आपका नज्म, आपकी जिंदगी के सारे दिन अच्छे से गुजर जाएंगे। और इनके साथ फ्रॉड करते हुए वो घर बेचा और उन्होंने उस घर को बेचने के बाद बाप को धोखा दिया और धोखा देने के बाद उन्होंने हिस्सा तकसीम कर लिया और तकसीम करने के बाद आज इन बुजुर्गों को, इनको सड़कों पर लावारिस छोड़ दिया। हमारे सामने एक नहीं कई लावारिस लाशें आई। जब हमने उसकी तहकीक की तो पता चला कि उनके घर के कुछ लोग थे, उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया। अभी चंद लम्हा पहले बाबा बता रहे थे कि ये संडास के अंदर इतनी जहबी में इनकी सांस फूल रही है, इनकी धड़कन तेज है, ये शदीद बीमार है, अंदरूनी तौर से शदीद बीमार है। कल ये बैतुल खला में गए, संडास में गए, संडास बैठने के लिए, इन्हें वहां पर बैतुल खला तो हुई नहीं मगर ये उठ नहीं सके। अगर खुदा ना खास्ता वहां गिर जाते, चोट आ जाती या मौत आ जाती तो कई दिन बाद फिर दरवाजा तोड़कर, अल्लाह ना करे, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं ऐसे लोगों की हिफाजत करना, इनकी जिंदगी की आखिरी सांस तक ये अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते और अपने बच्चों को दुआएं देते रहे। हम ये चाहते, हमारी चाहत ये, हमारी काविश यही है कि हर बच्चा अपने माँ बाप की, जिस तरीके से माँ बाप बचपन में उस बच्चे की परवरिश की थी, आज उनका वक्त है, इनका काम है कि वो इनको देखभाल करे, इनकी हिफाजत करे, इनकी बीमारी में, इनके दुख में, इनके दर्द में, इनकी हर तकलीफ में आज इनके लिए खड़े हो। मगर नहीं, इन्हें सड़कों पर लावारिस छोड़ दिया गया। सलाउद्दीन साहब सदैव वक्त न्यूज चैनल के हमारे बहुत ही अजीज साथी है, इन्होंने मुझको
जब इनके बारे में बताया तो मुझे भी एक दुख हुआ, दर्द हुआ, बहुत ही एहसास हुआ कि इस तरीके से हमारी माँ बाप की जैसी उम्र है इनकी, और उनको इस तरीके से, तीन बेटे हैं, अगर वो चाहेंगे तो इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है, जिंदगी के आखिरी अय्याम ये इबादत में, तिलावत में, और अपने बेटों की, अपने बेटों के लिए दुआएं करते हुए गुजार सकते हैं, और जिंदगी की आखिरी सांस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस तरीके से कलमा शहादत के जरिए ही अपनी मौत तक के जा सकते हैं। मगर क्या कहें, यही हमारे मुस्लिम माशरे में चुनिंदा लोगों और चुनिंदा बेटों की वजह से आज हमें, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, हम उन लोगों से अपील करते हैं कि भाई अपनी माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें, उनकी हिफाजत करें, उनकी बीमारी में, उनकी परेशानी में, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में उनका साथ दे, उन्हें इस तरीके से लावारिस ना छोड़े। आज हम बाबा से भी कुछ सवाल कर लेते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद इमाम, आपको कितने बेटे हैं? तीन बेटे हैं। क्या नाम है बेटों का? एक का नाम रफीक है। हाँ, सैयद रफीक। सैयद रफीक, सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद, और दूसरे का शफीक सैयद मोहम्मद, शफीक सैयद मोहम्मद, तीसरे का शकील सैयद मोहम्मद, शकील सैयद मोहम्मद। तो आप इस तरीके से मालेगांव में दर बदर अभी भटक रहे हो, लावारिस हालत में आपके तीन बेटे हैं। दो नासिक में रहते और मैं वहाँ से अभी आ रहा, तो वो मेरे को रास्ते में बोल रहा कि हम लोग औरंगाबाद में। क्या बोल रहे हो? औरंगाबाद में। कहाँ पर बोले आपको? रास्ते में चांदोड़ के पास। अच्छा, आपने उनको फोन लगाए थे क्या? हाँ। क्या बोले उन्होंने? हम कोई नहीं है, तुम चले जाओ वापस। वापस चले जाओ। हाँ। अच्छा, आप मनमाड़ के रहने वाले हो, आपका जब घर उन्होंने बेचा, आप वो क्या कहा था घर बेचने की? देव वो बोले थे वो जरा ये आपसे नहीं किया, ये बंद चालू हो गया था सब। अच्छा, कोरोना। हाँ, उसमें बोले काम धंधे नहीं है, तो बोले ये घर बेच के मालेगांव में कैसा भी रोजी रोटी से ठीक है, तो घर 340 में बिका था, तो 340 में से तो ये बोले मैंने घर बनाया ले, मैंने एक रूम इनने बनाया था परेशान। हाँ, ये बड़े वाले ने, तो बोले मेरे को 2 लाख रुपए होना। बोले बाबा 2 लाख देखो देंगे, ये दोनों को भी तो कम से कम 25-25 दे दे, सही है क्या? नहीं, बेटे को 5-5 दे दे, नहीं मारने को आंख पे आ रहा। फिर ऐसा वैसा करके घर बेच के वहाँ भागी। अभी आपने कहा था कि यार वो घर बेच के तुमको अच्छी तरीके से रखेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे, ये सब बोले थे ना उन्होंने? हाँ, सब बोले बोले। तो वो जो नीचे वाली है ना, वो छाती को हाथ लगा के बोलती थी कि तुम्हारा आखिरी टाइम मुँह मुत का भी आएंगे ना, मैं संभाल लूंगी, ऐसा बोली उसने तुम्हारी पतों ने। और घर बिकने के बाद पैसे ले लिए सब बंटवारा, अभी 4 दिन रखे फिर अर्जेंट करना चालू करती है। उसके 4 बच्चे है, जो वही बेटी है, सब भाइयों को और ये भड़ियों को भरने लगा रही। अच्छा बाबा, ठीक है। देखिए, आप अभी बाबा बोल भी नहीं पा रहे, उनकी कंडीशन नहीं है बोलने की, उनकी सांस फूल रही है, उनको फेफड़े में और दीगर जो जिस्मानी अंदरूनी तकलीफ है। अभी हम सलाउद्दीन सऊद अंजुम निसार भाई, हम लोग अभी सूल हॉस्पिटल में इनको अभी एडमिट करने वाले जो है, तो यहाँ पर अभी जो है तो देखभाल जो तो सऊद अंजुम भाई और दीगर गुलजार अकरम भाई वगैरह हम लोग सब करेंगे मिलकर। बहरहाल इस मामले में मेरी अपील है, गुजारिश है कि हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग इस वीडियो को वायरल करें और जहाँ तक के हमारा ये पैगाम हो वहाँ तक के पहुँचाने की कोशिश करें। शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि हम इस तरीके से वालदैन को उनकी बुजुर्गी में, उनके बुढ़ापे में इस तरीके से बेयार और मददगार लावारिस छोड़ दे। आज रमजान मुबारक का दिन है, वो बेटे भी रोज़ा रह रहे होंगे। अगर आप रोज़ा रख रहे हो, अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, अगर आप सज्दा कर रहे हो, अल्लाह अर नहीं कर रहे हो, अल्लाह वो माफ़ कर देगा, मगर बंदों का मामला माफ़ होने वाला नहीं है। अगर आप आपके वालिद के साथ इस तरीके से जुल्म और ज्यादती कर रहे हो, ये माफ़ होने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए अपने वालिदैन की हिफाजत करो, उनकी देखभाल करो, उनके बुढ़ापे का सहारा बनो, यही अपील और गुजारिश हमारी।
जजाकुम अल्लाह खैरन निसान अल जजा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।